पाकिस्तान की 2.2% जनता द ह्यूमन नेचर को वॉच कर रही है, नेपाल की 0.8% जनता। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमन नेचर के एक और खूबसूरत व्लॉग में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो गाइस कल घर में भाई काफ़ी भीड़भाड़ हो चुकी थी क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार था। सोया भी लेट और उसके बाद उठा भी लेट हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज करिए, अब नहाने जाता हूँ, फिर करते हैं अपने व्लॉग की बढ़िया तरीके से शुरुआत, ठीक है। तो गाइस नहा धो लिया तुम्हारे भाई ने, एकदम हो चुका है फ्रेश, अभी क्या ना दूध पीते हैं और कल की थोड़ी बहुत मिठाई बची थी तो भाई वो भी खा लेते हैं क्योंकि फिर हींक मारने लग जाती है ना मिठाई, तो इसको सटाक से चट करते हैं। Later. अरे ये कहाँ गए, चलो दोस्तों अभी ढूंढते हैं इनको, द ह्यूमन नेचर वालों को। देख सकते हो गाइस हम लोग यहाँ स्कूल से भी आ गए और द ह्यूमन नेचर वाले यहाँ सोए हैं, चलो इनको उठाते हैं। क्या कर रहे हो मेरे कैमरे के सामने, उठाओ। ओह आ गए स्कूल से। यार बाहर तो धूप आ रही है खतरनाक चटक, बाप रे। गाइस कल रात देर से सोया ना तो इस वजह से आज नींद ही नहीं खुली है यार, वड्डा मार्केट से आया एकदम से, नींद आ गई, खाना भी नहीं खा रहा। गाइस नीचे वाले कमरे में इसलिए मुझे अच्छी नींद आती ना क्योंकि भाई साहब एकदम चिल्ड कमरा है ये, मतलब देख सकते हैं आप, कोई पंखा वंखा भी नहीं है इस कमरे में देख सकते हैं आप, लेकिन उसके बावजूद भी एकदम ठंडा। जैसे वड्डा से आया बस यहाँ पर लेटा, ऐसी नींद आई मतलब क्या बताऊँ, 2 घंटे हो गए मेरे को सोए हुए और सवेरे भाई इतनी अच्छी लगी ना मुझे परेड, क्योंकि 15 अगस्त की तैयारी कर रहे थे बच्चे, भाई अपने स्कूल के दिन याद आ गए मुझे, अब बहुत अच्छा लगा यार। बात है भाई मुर्गियों सब पास। सो गाइस देखा कितनी समझदार मुर्गी है, मैं फोड़ना मत ये प्यारा प्यारा अंडा, थैंक यू। मुर्गियाँ समझदार तो हैं यार मेरी, अंडे 6-7 अंडे जमा हो गए हैं इस बार क्योंकि अब 2 मुर्गियाँ देने लग गई हैं, पहले तो एक ही मुर्गी देती थी अंडा, अब 2-2 मुर्गियाँ देती हैं। हेलमेट दिखा रहा हूँ ना, देखिए बहुत लोग ऑन फेस मेरे पास आए और ये पूछ रहे थे कि यार आपने जो हेलमेट बनाया था उसमें क्या क्या सामान लगाया आपने और किस तरीके से उस हेलमेट को बनाया आपने। देखिए मोटो व्लॉगिंग आप फ़ोन से भी कर सकते हैं, बस आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। सो गाइस ये रही सेल्फी स्टिक, ठीक है, और सेल्फी स्टिक को मैंने एम सील से चिपका रखा है, एम सील वही होता है जिससे हम पानी के नल वगैरह अटैच करते हैं, सीमेंट को चिपकाते हैं, प्लास्टिक को चिपकाते हैं, ठीक है, तो उसी से मैंने इसको अटैच कर रखा है, लेकिन उसके पहले मैंने जो है कि इससे नट देख सकते हैं आर पार कर रखा है, अब आप समझ सकते हैं कि इतना मोटा है। सो गाइस इस नट को आर पार करने के लिए एक लोहे की पतली शीट मैंने गर्म की थी, लगभग 20 मिनट तक उसको आग में गर्म करके फिर जो है कि मैंने आर पार किया था, तो देख सकते हैं आप कितना मजबूत है ये, एम सील ने इसको इतना मजबूत कर दिया है कि पूरा का पूरा हेलमेट का वेट आप देख सकते हैं इस सेल्फी स्टिक में ही आ रहा है, उसके बावजूद भी कोई दिक्कत नहीं हेलमेट में। और वॉइस के लिए मैंने स्पेशली भाई वीवो के जो हेडफोन होते हैं आप देख सकते हैं वायर वाले, उस हेडफोन को मैंने इसमें अटैच कर दिया था, तो इसके भीतर स्पीकर डाल रखे हैं मैंने इस हेडफोन के, ओरिजिनल हेडफोन है वीवो का, तो जिससे कि
बहुत बेस्ट आवाज़ सुनाई देती है हेलमेट के अंदर जब हम वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं मोटो व्लॉगिंग के समय। बाकी शीशा तो आपको पता ही है, वाइजर मैंने लिया था हल्द्वानी मार्केट से, तो इस तरीके से भाई हेलमेट मैंने बनाया था। सो गाइस, ज़रूरी नहीं है कि आप महंगा गोप्रो, कम से कम 70-80 हज़ार रुपये का इसका पूरा सेटअप के साथ बैठता है ये, ठीक है ना। और लेटेस्ट अभी हीरो 9, हीरो 10 ब्लैक, ये तो बहुत महंगे गोप्रो हैं। तो एकदम से आप जो है कि अगर न्यू क्रिएटर हैं तो इस तरीके से आप पैसा खर्च ना करिए, जज्बा होना चाहिए आई डू इट, यानी कि मैं कर सकता हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप महंगा सेटअप लेके हेलमेट में अटैच करके फिर मोटो व्लॉगिंग करें। बाकी गाइस, बहुत खुशी की बात है भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया की जो जनता है 89.6% द ह्यूमन नेचर चैनल को वॉच कर रही है। बांग्लादेश की जो जनसंख्या है उसमें से 3.9% जनता द ह्यूमन नेचर को वॉच कर रही है। पाकिस्तान की 2.2% जनता द ह्यूमन नेचर को वॉच कर रही है। नेपाल की 0.8% जनता द ह्यूमन नेचर को वॉच कर रही है। और सबसे आखिरी में श्रीलंका की 0.5% जनता द ह्यूमन नेचर को वॉच कर रही है। सो गाइस, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई जब मैंने चैनल की शुरुआत की थी तो अपने पड़ोसी, अपने दोस्त, फिर धीरे धीरे अपना वड्डा शहर के लोग देखने लगे। उसके बाद आज आप देख ही सकते हैं, मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ कि भाई गांव कस्बे ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्री भी भाई द ह्यूमन नेचर को वॉच कर रही है। तो मेरे टोटल व्यूज जो है कि 8 लाख के पार हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई कौन कौन सी कंट्री द ह्यूमन नेचर चैनल को वॉच कर रही है। क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है कि किसी चैनल को सब्सक्राइबर ऑल करके ही उसके वीडियो देखेंगे, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि इतने कम सब्सक्राइबर, इतने कम व्यूज़ आने के बावजूद भी द ह्यूमन नेचर चैनल बहुत दूर दूर जगह तक, बहुत दूर दूर शहरों तक। बाकी भाई जिस तरीके से आपका मेरे को प्यार मिल रहा, आपका सपोर्ट मिल रहा है, तो आगे भी देखते हैं कहाँ कहाँ तक फैलता है द ह्यूमन नेचर चैनल, क्योंकि ये मेरा ही नहीं बल्कि आपका भी है। बाकी गाइस, दोस्तों को शिकायत भी है, शिकवा भी है कि भाई फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, तू रिप्लाई नहीं करता है, कभी फ़ोन उठाता नहीं है। भाई उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, डेली व्लॉगिंग में जो हालत ख़राब होती है ना भाई साहब, रात भर की नींद, दिन का चैन हो जाता है आराम। तो ऐसी स्थिति में यार अगर मैं फ़ोन नहीं भी उठा रहा हूँ या रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैसेज का, व्हाट्सअप का, तो सॉरी यार। बाकी भाई मैंने उनका उत्तर भी दे दिया जो मेरे हेलमेट के बारे में जानना चाहते थे। तो कीप इट अप ब्रो, और आप शुरुआत फ़ोन से भी कर सकते हैं। अगर और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे सामने आकर भाई मुझसे सलाम मशवरा भी ले सकते हैं। मैं बाकी इक्विपमेंट की जानकारी भी दे दूंगा जो जो मैं व्लॉगिंग के दौरान या मोटो व्लॉगिंग के दौरान यूज। तो ठीक है फिर भैया, अब जो है कि लैपटॉप खोलते हैं और जो आज का वीडियो अपलोड करना है वो देखते हैं और जो कल की वीडियो की एडिटिंग करनी है उस पर काम करते हैं। सो ठीक है फिर, आई होप कि आपको आज का व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर दबा के, ठीक है। सो मिलता है किसी खूब प्यार ऐसे व्लॉग में, तब तक के लिए रखें, टेक केयर, जय दोस्तों।